आखिर क्या हुआ था उस रात, क्यों एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस ने दे दी अपनी जान। दिव्या भारती की अनसुनी कहानी, जिसे सुन कांप जाएगी आपकी भी रूह। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी। 90 दशक की वो हीरोइन जिसने कम उम्र में ही वो शोहरत हासिल कर ली जहां तक पहुंचने में बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। आज दिव्या भारती की डेथ एनिवर्सरी है और इस मौके पर हम उनके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां बताने जा रहे हैं जिसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 90 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी बोलती आँखें, दिलकश अंदाज और शानदार अदाकारी ने बेहद कम समय में लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। दिव्या ने बहुत कम समय में शोहरत की उन बुलंदियों को छू लिया जिसकी चाहत फिल्म इंडस्ट्री की हर अदाकारा रखती है। महज 3 साल में उन्होंने 20 फिल्मों में काम किया और कई सुपरहिट फिल्में देकर बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बन गई। हालांकि महज 19 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में काम करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। दिव्या ने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। कहा जाता है कि पढ़ाई से बचने के लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। जब दिव्या अपने करियर के पीक पर थी उस दौरान 5 अप्रैल 1993 के दिन संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई। उनके अचानक निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में चला गया। उन्हें दुनिया से रुखसत हुए 30 साल हो गए हैं लेकिन उनकी मौत की गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पाई है। साल 1998 में मुंबई पुलिस लंबी जांच के बाद इसे हादसा मानकर दिव्या का केस बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले दिन दिव्या चेन्नई से अपने घर मुंबई लौटी थी। उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था लेकिन पैर में लगी चोट की वजह से शूटिंग टाल दी गई। बताया जाता है कि दिव्या के घर उस दिन फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति पहुंचे थे। तीनों ने मिलकर शराब पी। घर में उन सभी के अलावा अभिनेत्री की मेड भी मौजूद थी। जानकारी के अनुसार दिव्या नशे की हालत में अपनी बैल्कनी में बैठी थी जहां ग्रिल नहीं थी। रिपोर्ट की माने तो उठने की कोशिश करते वक्त उनका पैर फिसल गया और वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गए। हादसे के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले गया गया लेकिन गंभीर चोट की वजह से उनका निधन हो गया। एक्ट्रेस की मौत को किसी ने हादसा माना तो कुछ लोगों ने साजिश करार दिया। उनके जाने के बाद एक्ट्रेस के पति साजिद नाडी याडवाला पर भी आरोप लगे लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। दिव्या भारती के खुदकुशी के बाद किसी ने उसे साजिश बताया तो किसी ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी की है लेकिन सच क्या है इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। जी हाँ, दिव्या भारती की मौत अब तक एक गुत्थी बनी हुई है जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। वेल, आपको भी इस पर कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।